मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है। कृष्ण जन्मभूमि मामला ये पूरा, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने भी अर्जी लगाई थी और हिंदू पक्ष की भी अर्जी थी, हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी। मथुरा जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष के दावे को सुनवाई योग्य इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है। मालिकाना हक का दावा सुनवाई योग्य है, याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत की तरफ से कहा गया है मामले में 12 अगस्त को अब अगली सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब इसमें ट्रायल चलेगा। मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी थी इसको मान्य न मानने की, उसको फिलहाल खारिज कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका और हिंदू पक्ष इसे आगे की दिशा में एक कदम के तौर पर बता रहे हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपने विष्णु शंकर जैन से भी बात की, उन्होंने बताया कि ये हमको एक कदम के तौर पर हिंदू पक्ष के लिए, मतलब यहाँ कम से कम अब ट्रायल शुरू होगा और अगली सुनवाई 12 को होगी। देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस मामले को लेकर के हिंदू पक्ष का मानना है कि 4 साल की लड़ाई हुई है इस मेंटेनेबिलिटी के सूट को स्टैंड करने में कोर्ट पर, और उसके बाद आखिरकार आज कोर्ट ने माना कि ये पूरा जो मामला है वो पोषणीय है, इस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। ऑर्डर 7 रूल 11 के विरोध में मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसमें कहा जा रहा था सीधे तौर पर कि ये जो मामला है वो प्लेसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट का उल्लंघन है, लेकिन कोर्ट ने इसे उल्लंघन नहीं माना है और इसको सीधे तौर पर क्लियर किया गया है कि ये सुनवाई होगी और 12 अगस्त इस मामले में अगली सुनवाई दी गई है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसके ऊपर कोर्ट कमीशन बनाकर के सर्वे कराने का आदेश पहले ही हाईकोर्ट ने दिया था, जिस पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष पूरी तैयारी के साथ कैविएट दाखिल करने वाला है। 12 अगस्त से पहले से दाखिल कर लिया जाएगा और इस रोक को हटाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से होगी। यानी कि एक तरफ मामला चलेगा, मेंटेनेबिलिटी हो चुका है, मेंटेनेबिलिटी सूट को जीता है एक तरीके से यहां पर हिंदू पक्ष ने, और इसके साथ ही साथ कोर्ट कमीशन का सर्वे भी कराया जाए, जिस सर्वे के साथ में अयोध्या हो या ज्ञानवापी, वो मामला जो था अपने अंजाम तक पहुंचा था, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से हिंदू पक्ष यहां पर आगे आने के लिए आमादा है और इसको लेकर के कैबिनेट दाखिल करेगा। बिल्कुल, हिंदू पक्ष को लगता है कि कोई बड़ी जीत नहीं है, एक कदम वो और नजदीक पहुंचे है, लेकिन अब मामला जब आगे सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं मालिकाना हक जिसको लेकर की लड़ाई है, कहीं ना कहीं उस पर अब आगे पूरा फोकस होने वाला है। जी अभिषेक, अगर हम अब मुस्लिम पक्ष की बात करें, चले हाईकोर्ट से झटका लग गया, लेकिन अगला कदम क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहां पर देखना होगा कि क्या इसको स्टैंड करता है ये मामला कि नहीं। हालांकि हिंदू पक्ष को लगता है कि जिस आधार पर जो पुराने फैसले हैं और जो मेन उनका आर्गुमेंट था उसके आधार पर हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है मुस्लिम पक्ष की तमाम पिटिशन को, तो कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो स्टैंड करेगा। लेकिन दोहरी लड़ाई है, एक तरफ अगर ये खिलाफ मामला जाता है तो वहां पर हिंदू पक्ष स्टैंड करना चाहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कैविएट दाखिल करके जो कोर्ट कमीशन के सर्वे पर रोक है उसको हटाने की भी मांग करेगा। तो कहीं ना कहीं निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आने वाली है, क्योंकि इन दोनों मामलों को लेकर के हिंदू पक्ष की कवायद होगी कि मेंटेनेबल भी सूट रहे आगे भी और कोर्ट कमीशन के सर्वे को भी जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाने की कवायद होगी। जी ठीक है अभिषेक, अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।